जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंशु जैन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपने चैनल पर एक जैन धार्मिक गेम। वैसे तो आपने मेरे इस चैनल पर बहुत सारी चीज़ें देखी है, जैसे तीर्थ स्थान के यात्रा वगैरह, बट इस बार मैं आपके लिए एक गेम लेकर आई हूँ जो जैन धर्म से रिलेटेड है, और आप इसको कहीं भी किसी पाठ में या कोई किटी पार्टी, जो आपने धार्मिक किटी पार्टी घर में रखी हो या फिर कोई मंदिर जी में, आप इसको खिला सकते हैं। और ये एक ग्रुप गेम है जो बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, इस गेम को बताने से पहले, मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना तो आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये काफ़ी मज़ेदार गेम होने वाला है और इससे काफ़ी नॉलेज भी बढ़ती है हमारे धर्म से रिलेटेड। जो भी नॉलेज है ये बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, आप किसी के साथ भी खेल सकते हैं। जैसे मेरे पास टाइम था तो मैंने इसकी तैयारी की है और मैंने इस तरह से ये जो सारे स्लिप्स हैं वो बनाए हैं। तो मैंने इस पे लिखा है कि 24 जैन तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने ये जो 24 चिन्ह हैं उनके नाम इस पर एक एक स्लिप बनाकर इस तरह से लिख दिया है, और अब मैं इसको एक ब्लैक शीट पर पेस्ट कर दूंगी। यदि आपके पास टाइम नहीं है और आप इंस्टेंट इसको खिलाना चाहते हैं किसी को, तो आपके पास कोई तैयारी नहीं है तो भी आप इसको खिला सकते हैं। सबको 24 जैन तीर्थंकर के प्रतीक चिन्हों के बारे में पता होता है, तो आप उन मेंबर्स से ये कह सकते हैं कि आप कोई से भी जो आपको पसंद हो, कोई भी 10 प्रतीक चिन्ह आप अपने एक पेपर पर इस तरह से लिख लीजिए। तो ये आपको, ये जो मेंबर है वो अपना नाम ऊपर लिखेगा और जो 10 इसमें से कोई भी चूज करके अपनी पसंद के 10 प्रतीक चिन्ह अपने पेपर पर लिख लेगा। जैसा कि मैंने कहा आपको कि ये ग्रुप गेम है, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको सिर्फ 3 मेंबर्स के लिए ये पेपर देकर, इस तरह से आपको मेंबर्स को पेपर देना है और इस तरह से वो लोग अपना इस पर नाम लिखेंगे और कोई भी अपनी पसंद के प्रतीक चिन्ह इन पर 1 से लेकर 10 तक लिखने हैं। इससे ज़्यादा किसी भी मेंबर को प्रतीक चिन्ह अपने पेपर पर नहीं लिखना है। ऊपर भी आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट्स तक दे सकते हैं मेंबर को। जब सारे मेंबर्स इसी तरह से अपने अपने स्लिप पर अपना नाम लिखकर ये 10-10 प्रतीक चिन्ह लिख लेंगे, तो होस्ट को क्या करना है कि एक इस तरह से अपनी एक छुपी हुई लिस्ट बनानी है प्रतीक चिन्हों की। वो होस्ट भी 1 से लेकर 10 तक ही उसमें अपने प्रतीक चिन्ह जो उसको पसंद होंगे वो अपनी लिस्ट में लिख लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि आपको जो मेंबर्स हैं उनको इस लिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताना है जब तक ये अपने अपने स्लिप पर सारे नाम नहीं लिख लेते। उसके बाद जब होस्ट जो अपनी लिस्ट के अकॉर्डिंग और जो मेंबर्स की लिस्ट के अकॉर्डिंग है वो अपने नाम बोलेंगे प्रतीक चिन्ह के, और वो जो मेंबर्स होंगे वो उस पर राइट मार्क करते जाएंगे। तो राइट मार्क जितने हो जाएंगे हर एक मेंबर के, उसके अलावा जो भी बचेंगे प्रतीक चिन्ह उनको काउंट किया जाएगा, और जिसके सबसे ज़्यादा प्रतीक चिन्ह काउंट होंगे या बचेंगे मार्क करे बिना, तो वो ही विनर माना जाएगा। यदि कभी कभी क्या होता है कि मेंबर्स के बीच में टाई भी हो जाता है, तो आप जिन जिन मेंबर्स के बीच में टाई हुआ है उनके नाम की एक स्लिप निकाल लीजिए लास्ट में, और उसमें से एक चूज कर लीजिए, वो ही विनर होगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेके मैं आपको ये गेम समझाती हूँ। जैसे ये मेरी लिस्ट है, इसमें मैंने 10 अपने प्रतीक चिन्ह लिखे हैं और ये हमारे 3 मेंबर्स हैं जो इसको गेम को खेल रहे हैं, पूजा, पारुल और सुचि। इसमें देखिए, जैसे मैंने लिखा है बंदर, तो आप ये देखिए कि बंदर इनमें से किसने लिखा है, इस मेंबर ने लिखा है तो वो इसको राइट कर देंगे, और इनमें से किसी ने भी बंदर नहीं लिखा है तो वो इसको राइट नहीं करेंगे। ऐसे ही इनमें से भी किसी ने नहीं लिखा है। सेकंड है मगर, अब देखिए मगर पूजा ने लिखा है तो ये पूजा अपने प्रतीक चिन्ह मगर को राइट कर लेंगी, और इसके अलावा इन्होंने मगर नहीं लिखा है, इन्होंने भी नहीं लिखा है तो ये नहीं करेंगे। फिर मैंने थर्ड लिखा है हिरण, तो अब हमको देखना है कि किस मेंबर ने हिरण लिखा है, इनमें से किसी ने भी इन्होंने हिरण लिखा है तो ये अपना राइट कर लेंगे। सिंह किसने लिखा है, तो सिंह इनने नहीं लिखा है, इन्होंने इसमें सिंह लिखा है और इन्होंने भी सिंह लिखा है। सेही, जैसे होस्ट ने लिखा है सेही, तो इसमें से सेही शायद किसी ने भी नहीं लिखा है,
ना इन्होंने लिखा है ना इन्होंने लिखा है, तो जो मेंबर सही लिखेंगे वही इसको राइट मार्क करेंगे। फिर मैंने लिखा है मछली, तो मछली इनमें से इन्होंने लिखा है तो ये राइट कर लेंगी, इन्होंने मछली नहीं लिखा है, इन्होंने भी नहीं लिखा है। इसी तरह से चंद्रमा, तो चंद्रमा किसने लिखा है, इन्होंने लिखा है चंद्रमा, और इन्होंने भी लिखा है और इन्होंने नहीं लिखा है, तो ये मार्क कर लेंगे। साथिया, अब देखिए साथिया किसने लिखा है, इन्होंने लिखा है, इनमें से किसी ने भी साथिया नहीं लिखा है। सर्प, तो आप ये देखिए सर्प किसने लिखा है, वो इस पे राइट मार्क करेंगे, सर्प किसी ने भी नहीं लिखा है इसमें से तो नहीं माना जाएगा। फिर कल्प वृक्ष किसने लिखा है, कल्प वृक्ष इन्होंने लिखा है। तो अब आप ये देखिए कि जो जो राइट हुए हैं उसके अलावा जितने भी प्रतीक चिन्ह जो बचे हैं, जो राइट नहीं किए गए हैं या सर्कल नहीं किए गए हैं, तो वो ही काउंट होंगे। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा काउंट होंगे वो विनर होगा। तो फ्रेंड्स, अब हमने इनको काउंट किया, तो ये जो मार्क नहीं हुए हैं इनके 8 पॉइंट्स हैं और इनके 6 पॉइंट्स हैं और इनके 7 पॉइंट्स हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा किनके पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स, तो पूजा इसमें विनर होगी। तो इसी तरह से आप ये गेम खिला सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये गेम अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट कोई भी वीडियो आपके लिए लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। जय जिनेंद्र बंधुओं, आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताइएगा कि आपको ये गेम कैसा लगा।